अरे लगाम खेचो खेचो खेचो, हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अरे वाह बेटा वाह, अब तुम परफेक्ट राइडर हो गए हो। चलो रेस लगाते हैं, मैं तुम्हें आधे रास्ते का हैंडीकैप देता हूँ। तुम आधा रास्ता पहुंचोगे, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। चलो ये तुम्हें क्या हो गया पापा? पापा 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 पापा। मगर स्वामी जी, ये छोटी बात नहीं है। किसी दिन अगर उसने आपको पहचान लिया तो? गोटिया, जिस दिन उसकी आंखें मुझे पहचान लेगी, उसी दिन उसे भी उसके पास। आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में TIG रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि DIG रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है, इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है, इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है, बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। आप सब अच्छी तरह से सुन ले कि आज की इस मीटिंग के बाद मैं इस मामले में और कोई मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। आज हमें इसी वक्त एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे कि हम देशद्रोहियों को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक सके। सर, बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के बस के बाहर है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर, मिलिट्री फोर्स। मिस्टर मेनन,
आपकी क्या राय है? सर, मिस्टर सिन्हा ठीक कह रहे हैं। सर, इसके लिए हमें पूरी मिलिट्री फोर्स भेजने की जरूरत नहीं। ये काम एक ऑफिसर सिर्फ अकेला ही कर सकता है। सिर्फ एक? यस सर, सिर्फ एक। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स को उस पर नाज है। उसने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, इसलिए उसे वन मैन आर्मी कहा जाता है। कौन है वो? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। 1962 की जंग में मेजर सूर्यदेव सिंह ने दुश्मनों के कई हवाई जहाज अपने कभी न खाली जाने वाले तेज निशाने से मार गिराए। उनकी इस दिलेरी और बहादुरी की कद्र करते हुए सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उसी के साथ मेजर से ब्रिगेडियर बना दिया। ऐसी ही बहादुरी और जांबाजी उन्होंने 1965 की जंग में भी कर दिखाई। टैंक युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आगे ही बढ़ते चले गए। खुद अकेले ही मशीन गन लेकर दुश्मन के खेमे में घुस गए और दुश्मनों की चार चौकियों पर तिरंगा लहरा दिया। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बढ़कर दिलेरी और बहादुरी उन्होंने 1971 की जंग में भी कर दिखाई और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्यवादी तुभे, दोगले के औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तिस्मारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? ढूंढा लो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले स्पीकिंग। सर, डीएसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी। फिर इंस्पेक्टर वागले, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स की फाइल्स देखने के बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने सिर्फ तुम्हें चुना है। सर, अब तुम दोनों को मिलकर काम करना है, लेकिन तुम पूरब हो
तो वो पश्चिम है। इसलिए सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के साथ मिलकर जो भी खेल खेलना हो शांति और ठंडे दिमाग से खेलना। सर बड़े प्यार से खेलते हैं आप। असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत। तो फिर प्रलयनाथ को छोड़ क्यों दिया? क्या उससे गले मिलने गए थे? गले मिलने गए थे, उसके गले का माप लेने गए थे कि वो फंदे की मौत मरेगा या हमारे पंजे की। वागले, गर्मजोशी अच्छी चीज है लेकिन हमेशा काम नहीं आती। तुमने तो देखा ही होगा इसी गर्मजोशी की वजह से तुम कई बार सस्पेंड हो चुके हो। नौकरी की परवाह है किसको? यहां है कौन अपने पीछे रोने वाला? इस ईमानदारी की वजह से बहुत कुछ भुगता है, कोई तकरार नहीं है सर। लेकिन ये गुनाहगार कानून को हाथ में लिए फिरते हैं और मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकता। अपना तो उसूल है पहले लात फिर बात उसके बाद मुलाकात। भाई वागले, अपना तो उसूल है पहले मुलाकात फिर बात और फिर अगर जरूरत पड़े तो लात। बड़ी उम्मीद थी आपसे लेकिन अब पता चला आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। आप नरम खून के, मैं गर्म खून का, हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। वागले, तुमने समझा कि जिंदगी में सिर्फ तुमने ही बहुत कुछ खोया है। इस इंसान को देखो, जब चाहता एक घर बसा सकता था लेकिन नहीं, इस अकेली जान को हमने अपने देश के लिए उठा रखा है। दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग है। नहीं वागले, हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है। और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं सिवाय फर्श के। इस दुनिया में हमारा कौन है? कोई भी नहीं सिवाय फर्ज के। अगर फर्क है तो सिर्फ सोचने के ढंग में और काम करने के तरीके में। अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए यह युद्ध एक साथ लड़ना होगा। मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं है लेकिन आप इस तरह खुलेआम गाड़ी में घूम रहे हैं, यह खतरा मैं उठा नहीं सकता। जिस गाड़ी में तुम बैठे हो ये मामूली गाड़ी नहीं। मामूली गाड़ी मामूली आदमियों के लिए होती है, ये गैर मामूली गाड़ी है, एक गैर मामूली इंसान के लिए। बुलेट प्रूफ, और इसमें ऐसे ऐसे गैजेट लगे हुए हैं जो बम से लेकर पटाखे तक की खबर में मिल जाती है। लेकिन इस वक्त हम जा कहां रहे सर? गाड़ी रुकने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगले, यहां हमारा घर है। यहां तो सिर्फ चारों तरफ जंगली जंगल नजर आ रहा है, रहने की तो कोई जगह ही नजर नहीं आ रही। अभी नजर आ जाएगा। बहादुर,